दोस्तों आज अपन सीखेंगे कि टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पी है, एच हॉलिडे है, पी प्रेजेंट एब्सेंट। तो या तो एक तरीका है कि अपन इसको पी 1 2 3 4 5 6 7 मैनुअली टाइप करें 7, फिर नेक्स्ट का कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया जाए। या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसमें एक फंक्शन लगाते हैं काउंट इफ, COUNT काउंट इफ, फिर ये नीचे मैसेज आ रहा है अपने को, इसमें रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज अपन ने डाला यहाँ से यहाँ तक, कोमा, क्या अपने को कैलकुलेट करना है, पैरामीटर क्या है अपना, सपोज कीजिए प्रेजेंट अपने को कैलकुलेट करना है, एंटर किया और इसको नीचे तक अपन ने फिल किया। तो देखेंगे सभी की अपने पास अटेंडेंस प्रेजेंट की आ गई है। ऐसे ही इसी केस में मान लीजिए अपने को ये चाहिए कि टोटल एब्सेंट कितना रहा, तो अपन एब्सेंट का भी इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अपने को किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि इस पर्टिकुलर पर्सन की, स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की पूरे महीने में कितने दिन का उसने छुट्टियाँ ली, छुट्टी नहीं है, तो अपन उसको बताने के लिए अपन यहाँ पे पैरामीटर डाल देंगे ए। तो अपने को पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने कितनी छुट्टियाँ ली हैं, इसने एक भी नहीं ली है ना। जैसे ये एक पर्सन है जिसने दो छुट्टियाँ ली हैं, है ना, ये दूसरा शान दो छुट्टियाँ ली हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स या एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने एक भी छुट्टी ली। तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपने को देखना हो कि अपने इसमें टोटल कितने हॉलीडेज आए हैं संडे के अलावा, तो भी हम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि फॉर्मेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग इसकी सेट कर सकते हैं, जैसे अपने को चाहिए वैसा सेट कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।